सूफी इमामुद्दीन शाह रज़ाकी की जुबानी एक कामिल मुर्शिद के जीने का नसीहत आमेज अंदाज समाहत कीजिए। आज मैं ये समझता हूँ कि मियाँ ने, हमारे मियाँ ने हिंदुस्तान में या बाहर भी एक जगह जगह ऐसे फूल खिले जो अपने सारे महक रहे और सारी एक फिर से अच्छी जिंदगी को जीने का तरीका उन्होंने सिखाया। और एक बात सीखी, मियाँ क्लास नहीं लेते थे, यूँ बताते नहीं थे, मियाँ ये कहते थे भाई लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीख। वजू कैसे बनाते हैं वाश बेसिन पर ही, और मतलब हर टाइम मतलब वजू रहना पूरी रात बे वजू। अच्छा, हमने कभी भी, खैर ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि कोई मियाँ का वजू टूट रहा है, गैस पास हो रही है, वो डकार लेकर के इस प्रकार से गैस को बाहर निकालते थे, करते थे। ये तो बहुत ही ऊँची बात है, मैं इतना ही कह करके, और बातें तो और भी है। उनकी जिंदगी भी नसीहत का सबब बन गई, उनकी जिंदगी भी नसीहत का सबब बन गई, जो बाअमल होकर जिंदगी जीते चले गए, जो बाअमल होकर जिंदगी जीते चले गए। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का ये शगल रहा है कि वो अपनी जुबान मुबारक से कोई नसीहत करने के बजाय अपनी जिंदगी को एक मॉडल बनाकर, एक नमूना बनाकर पेश कर देते हैं, जिससे उनके चाहने वाले मुतासिर होकर उनके इस अंदाज को फॉलो करने लगते हैं, उनकी इत्तबा करने लगते हैं, और जिससे उनकी खुद की ज़िंदगी भी बाअमल हो जाती है। असल में आशिक को जब माशूक से इश्क हो जाता है तो वह अपने माशूक की हर अदा से बे इंतहा मोहब्बत करने लगता है और उसकी अदाओं को खुद अपनाने लगता है, और अपनाते अपनाते इतना अपनाता है कि वो खुद जाते माशूक में फना हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि फना इतना तो हो जाऊं मैं उस जाते आली में, कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। सुभान।